हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्ट पे बन रही है कि एक दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार मैंने पबजी में अपना वो डाला हुआ है, अकाउंट डिटेल्स डाली हुई है, लेकिन अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ कि कोई भी यूज़ मेरा फ़ोन करता है, भाई करता है या कोई और करता है, कोई चीज़ इधर से परचेज ना कर ले, उसकी कटिंग मेरे अकाउंट से हो जाएगी विदाउट समथिंग। तो इसमें ये देखें, मैंने अकाउंट डाला हुआ था अपना पबजी में, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने परचेज़ भी किया हुआ है, UC60 मुझे मिला हुआ भी है, देखें UC60 मैंने परचेज़ किया हुआ है एक दफ़ा, ये देखें टिक हुआ हुआ है। और ये इसके बाद मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ परचेज़ करने के लिए, तो ये देखें डायरेक्ट मुझे आ जाता है 160 रुपीज़ टैक्स। ये देखें मास्टर कार्ड जी पे में मेरा मास्टर कार्ड डला हुआ है 0303 का, ठीक हो गया। ये देखें मास्टर कार्ड पेमेंट में डला हुआ है। तो इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ परचेज़ हो जाएगी। तो ये कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद हम खोल लेंगे प्ले स्टोर्स, ठीक है। प्ले स्टोर जैसे खोला आपने, ये प्ले स्टोर हमारा खुल गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस पे आपने क्लिक कर देना है, इसमें आ जाना है पेमेंट मेथड, ये देखें अकाउंट से नीचे ही लिखा हुआ है पेमेंट मेथड्स, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके शो कर देगा जितने भी पेमेंट मेथड हैं, ये इसमें आपका एक ही डला हुआ है, ठीक है। आपके ज़्यादा भी डले हों तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ऐड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों डल सकते हैं इसमें। तो ये देखें हमने किया हुआ है मास्टर कार्ड 0303। तो इसमें इधर आ जाएंगे मोर पेमेंट सेटिंग में, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्राउज़र में ले जाएगा। उधर आपके अकाउंट पहले से साइन इन है तो ठीक है, साइन इन है तो ओपन कर देगा, साइन इन ना हुआ तो आपको साइन इन की ज़रूरत होगी कि आप अपना अकाउंट दे देंगे और साइन इन डिटेल दे देंगे। अभी जिस तरह मेरा अकाउंट साइन इन है ऑलरेडी, मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये मेरा अकाउंट ओपन कर लेगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई है, इधर लिखा हुआ है नो एक्टिविटी यार्ड, लेकिन इसमें डिटेल्स अवेलेबल मेरी वो कैसे चेक होंगी, तो इधर साइट पे क्लिक, ये थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें देखें पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इसमें पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर लेंगे आप। इसमें देखें मेरा कार्ड आ गया, मास्टर कार्ड आ गया 0303, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, एडिट भी है कि आपकी कोई मिस्टेक है या कुछ है ये ठीक करना चाहते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और साथ ही रिमूव का ऑप्शन भी है, तो हम इसमें रिमूव का बटन क्लिक कर देंगे। ये देखिए आ गया, कंफर्म करना चाह रहे हैं हमसे कि रिमूव करें या ना करें, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो ये अब आ गया ऐड पेमेंट नो पेमेंट मेथड यार्ड, ठीक हो गया, कोई पेमेंट मेथड यार्ड नहीं है इसमें। अब वापस हम अपनी गेम की तरफ आ जाते हैं, अब ये देखें अब हम परचेज़ वापस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें 160 रुपीज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हम कंटिन्यू करते हैं। ये अब ये देखें ये हमसे डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है कि ये 100% वर्किंग काम करता है, ठीक है। ये जो मेथड मैंने आपको बताया 100% उसी टाइम ही वर्किंग करेगा, कि जिस तरह ये देखें मैंने आपको अभी दोबारा से भी क्लिक कर रहा हूँ, ये मैं ख़ुद फ़ोन पे ही बना रहा हूँ वीडियो, तो मैंने इसलिए कहा है कि आपके सामने ही ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई कटिंग वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट ये देखें अकाउंट रिमूव हो गया प्ले स्टोर से, तो बहुत आसानी से वो हो जाता है प्ले स्टोर में भी, लेकिन ये यहाँ से अक्सर लोग पबजी से भी इंटर कर लेते हैं, तो उससे रिमूव करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखें कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, अब आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरों से शेयर भी करें कि जिनको बआसानी ये तरीका पता चल सके सबको।